और आज हम करेंगे एक अलग तरह का वीडियो, और इस वीडियो में हम करेंगे वाटर टेस्ट एक नए स्मार्टफोन के साथ जो कि अभी लॉन्च हुआ है, और इस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Mi Max जो कि तकरीबन 15,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। अब हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं अलग अलग फोन्स के बारे में कि भाई कौन सा फोन वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि Xiaomi Mi Max वाटरप्रूफ फोन नहीं है। तो हम इस फोन को टेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता, अगर कुछ डैमेज हो जाए तो कंपनी ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है कि ये वाटरप्रूफ है। तो हम बताते हैं कि किस तरह से वाटर टेस्ट हम करेंगे। ये टेस्ट हमने डिवाइड किया है तीन अलग अलग पार्ट्स में, और तीन अलग अलग पार्ट्स जो है डे टू डे यूसेज के सिनेरियो के बेस्ड हैं। तो पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका फोन जो है बारिश में भीग जाए, तो यानी कि आप फोन पे बात कर रहे हैं ऐसे या फिर ऐसे, और उसमें अगर आपका पानी पड़े फोन के डिस्प्ले पे, तो क्या आपका फोन ठीक रहता है या खराब होता है, वो चीज टेस्ट करने वाली है। तो वो हम करेंगे शॉवर टेस्ट से। दूसरी चीज जो है, फोन जो है गलती से पानी में गिर जाए, तो उसमें हम बाउल के अंदर थोड़ा पानी रख के इसको डाल देंगे और फटाफट निकाल भी लेंगे, क्योंकि ये फोन वाटरप्रूफ तो है नहीं, लेकिन देखेंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ता है ऐसा करने से। और तीसरा टेस्ट जो हम करेंगे, वो करेंगे हम वॉश मशीन के अंदर, इसको प्रॉपरली धोएंगे हम टैप वाटर के अंदर। तो टैप वाटर के अंदर इसे प्रॉपरली वॉश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये फोन चलता है या नहीं चलता है। तो ये तीनों टेस्ट में हम कोई रिगरस टेस्टिंग नहीं करेंगे, फटाफट ये सिनेरियो को टेस्ट करके फोन को निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि पानी अंदर जाए, क्योंकि ये वाटरप्रूफ फोन नहीं है। लेकिन देखेंगे कि अगर एक्सीडेंटली अगर ऐसा आपके साथ होता है, कुछ इस तरह के सिनेरियो से लिक्विड डैमेज आपके फोन में आता है, तो क्या ये फोन उस लिक्विड डैमेज को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसकी टेस्टिंग को, सबसे पहले हम करेंगे शावर टेस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम इसे शावर में टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या हाल होता है इसका। तो आप दिखा सकते हैं इस टाइम कैमरे में कि सामने की तरफ से डिस्प्ले की तरफ से पानी से पड़ रहा है और पीछे की तरफ से पड़ रहा है, और फटाफट हम इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कुछ हुआ है या नहीं। तो फिलहाल वाटर की ड्रॉप्स हैं, लेकिन वो आराम से आप उसे साफ कर सकते हैं, और अब देखते हैं इसको साफ करके कि कैसा ये फोन चलता है या नहीं चलता है। फोन को हमने प्रॉपरली साफ कर दिया और आप देख सकते हैं टच स्क्रीन बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे की तरफ से ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर, टच स्क्रीन और हेडफोन भी मैंने चेक कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें जो है फोन पे अभी चल रही हैं। और अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे इसका वॉश मशीन के अंदर, टैप वाटर के अंदर इसे हम वॉश करेंगे। अब इसको वॉश करने वाले हैं टैप वाटर के अंदर। तो फटाफट हमने इसे वॉश कर लिया, और फिलहाल टच स्क्रीन फिर भी काम कर रही है, और वेट हैंड से भी मैं इसकी टच स्क्रीन को यूज कर पा रहा हूँ, जो कि बढ़िया बात है। और पीछे की तरफ पानी है, लेकिन ये सारा साफ हो सकता है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे रखी गई है Mi Max की, तो इतना करने के बाद भी ये फ़ोन सही चल रहा है। अब इसको दोबारा साफ़ कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। हमने इसे दोबारा साफ़ कर लिया है, बिल्कुल कोई वाटर का ड्रॉप वगैरह नहीं है अब, और टच स्क्रीन बिल्कुल काम कर रही है, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो भी काम कर रहा है, और हेडफोन हमने दोबारा इसके चेक कर लिए यहाँ पे लगा के, तो हेडफोन भी जो है काम कर रहे हैं, यानी कि फ़ोन अभी भी बिल्कुल ठीक है इतना सब कुछ करने के बाद। जो यहाँ पे बनता है वो है वाटर सबमर्ज टेस्ट, यानी कि हम इसको पानी में डुबा के देखेंगे और देखेंगे कि ये चलता है नहीं चलता है। तो फिलहाल फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम पानी में डालने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है हम फोन पे टाइमर शुरू कर देंगे। तो तकरीबन 30 सेकंड तक इसे पानी में रखेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। तो 1, 2, 3 गो। तो देखिए टाइमर चल रहा है अभी, कुछ इनिशियल बबल्स तो आए, लेकिन वो मेरे ख्याल से एयर बबल्स उसी वजह से आए क्योंकि पानी में जब गिरा, जबकि अभी कोई एयर बबल नहीं आ रहा है और सब कुछ ठीक लग रहा है। 15 सेकंड हो गए हैं, और 30 सेकंड के बाद हम इस फ़ोन को पानी में से निकाल लेंगे, और ये उस सिचुएशन को रेप्लिकेट कर रहा है जिस सिचुएशन के अंदर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है, और गिरने के बाद अब उसे फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया है, और अभी भी टच स्क्रीन जो है काम कर रही है, और मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करता हूँ, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि ये फ़ोन भी बढ़िया है, और इसने ये हमारा जो टेस्ट है वो पूरा पास कर लिया है, और कोई दिक्कत फ़ोन में नहीं आई है, जबकि हमने इतना सारा वाटर टेस्ट इसके साथ अलग अलग तरह के किए हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि Xiaomi Mi Max ने इस टेस्ट को पूरी तरह से पार कर लिया है। हेडफोन भी फोन का चल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी चल रहा है, टच डिस्प्ले भी चल रहा है, सारे बटन काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है फंक्शनैलिटी वाइज फोन में नहीं है, और चार्जिंग भी फोन की चल रही है, तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत इस फोन में नहीं आई है। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि Xiaomi Mi Max ने
हमारे वाटर टेस्ट को जो एक तरह से टॉर्चर टेस्ट है अलग अलग तरह के तीन उनको पास कर गया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डिवाइसेस हम इस तरह के टेस्ट में यूज करें और आपको बताएं, अब ऐसा जो भी हमने किया है इस वीडियो में वो आप अपने फोन के साथ बिल्कुल ना करें। हम इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपको शाओमी मैच लेना है तो क्या ये वाटर रेजिस्टेंट फोन है या नहीं, क्या ये बरसात के अंदर चलेगा, क्या अगर गलती से ये पानी में गिर गया तो उसके बाद चलेगा, या फिर टैप वाटर के अंदर गलती से आ गया तो क्या ये चलेगा। तो ये तीनों ही केसेस में चलने वाला है और ये बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो के नीचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।